एट सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस स्पेशल नीड्स ऑफ विजुअल इम्पेयर चिल्ड्रेन एंड एजुकेशन एडेप्टेशन फॉर देम। जो हमारे जो इन्हें विजुअल इम्पेयरमेंट की बीमारी होती है, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, उसके लिए क्या हम स्पेशल नीड्स का यूज करते हैं, प्लस में उनके हम जो एजुकेशन है वो किस तरह करवाते हैं, और राइट आर नॉट ऑन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर विजुअल इम्पेयर स्टूडेंट एंड रोल ऑफ टीचर। जो हमारे जो विजुअल इम्पेयर बच्चे होते हैं उनके लिए जो हमारे टीचर्स जो एजुकेशन प्राप्त करवाती हैं वो कैसे करवाती हैं, उसमें क्या उनका टीचर का रोल होता है। आंसर हम देखेंगे, द विजुअल इम्पेयर चिल्ड्रेन कॉन्स्टिट्यूट अ हेट्रोजीनियस ग्रुप। जो हमारे विजुअल इम्पेयर जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप में होते हैं। सम आर टोटली ब्लाइंड, सम आर पार्शली साइटेड, और सम हैव लो विजन एंड सम हैव वन आइट। इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरीके से अंधे होते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें आधा दिखाई देता है आधा दिखाई नहीं देता है, कुछ होते हैं जिन्हें बहुत ही कम दिखाई देता है, और कुछ जो बच्चे होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही आई होती है। द एजुकेशन नीड ऑफ दिस चिल्ड्रन डिफर विद ईच अदर एंड देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मस्ट मैच द नेचर ऑफ देयर लॉस ऑफ विजन। इसमें क्या होता है, जो एजुकेशन की जो नीड्स होती है, जो उन्हें पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो उन्हें एजुकेशन प्राप्त करवानी होती है, उनमें क्या होता है, हर बच्चों के लिए अलग अलग तरीका होता है, जिसमें जो टीचर्स होते हैं उन्हें अलग तरीके से बच्चों को समझाना होता है, जिससे कि वो बच्चे उस समझ सके। परंतु उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जिनके आंखों की जो रोशनी होती है वो कम होती है, वो लगभग मैच सी हो रही होती है। केयर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ सच चिल्ड्रन मस्ट बी द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टीचर एंड कम्युनिटी मेंबर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा विजुअल इम्पेयर चिल्ड्रन होता है, बच्चा होता है, उसके लिए जो हम केयर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, केवल वो सिर्फ टीचर का या फिर केवल उसका पेरेंट्स माँ बाप का ही नहीं होता, बल्कि उसमें उन सबको मिलजुल के काम करना होता है। टीचर होती है वो स्कूल में उन्हें नॉलेज एजुकेशन प्राप्त करवाती है, पेरेंट्स उसे घर पे समझाते हैं, फिर समाज में वो और लोगों से सीखता है, मतलब सब मिलके ही उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिससे वो अपनी एजुकेशन प्राप्त करता है, प्लस में वो आगे बढ़ता है। फर्स्ट हमारा एजुकेशन फॉर ब्लाइंड एंड टोटली विजुअल इम्पेयर्ड। जो हम एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं पूरी तरीके से ब्लाइंड इंसान को, किस तरीके से करवाते हैं, टीचिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, उसमें कौन कौन से टीचिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, ब्राइल टेप रिकॉर्डर रिलीफ मैप ग्राफ्स गाइड डॉक्स टाइपराइटर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, जो टीचिंग इक्विपमेंट होता है उसमें ब्राइल बुक चाहिए होते हैं जिसे वो टच करके पता कर सके, टेप रिकॉर्डर जिसे वो सुन के पता कर सके, रिलीफ मैप हो गया, ग्राफ्स हो गए, डॉग हो गया जो गाइड करने पर उसने जगह बताए, और फिर क्या होता है टाइप राइटर की जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से राइटिंग वगैरह करवा के। सेकेंड पॉइंट हमारा एडमिनिस्ट्रेट अरेंजमेंट फॉर ब्लाइंड फुली कवर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसमें क्या होता है, जो भी उन्हें मतलब जिस तरीके से उन्हें नॉलेज प्राप्त करवाई जा रही है एजुकेशन, उसमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसे अच्छी तरीके से कवर करके करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दिखाई भी नहीं देता, और कोई वो तार वगैरह किसी चीज को टच कर लेते उन्हें करंट लगने का भी डर रहता है। स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्कूल्स विद प्लेन फ्लोर्स एंड लॉन्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चों के लिए जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्पेशली जो स्कूल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो फ्लोर होता है या फिर क्लासरूम उनका लॉन होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, ये ना हो कि उन्हें ऊपर जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशल प्लेग्राउंड्स, उनके लिए स्पेशल प्लेग्राउंड्स होना चाहिए जो जिसमें उनकी नीड के हिसाब से हर एक चीज हो, सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम एंड रिकॉर्ड प्लेयर्स उनके लिए, जिसमें वो एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं वो उसमें कहते हैं, और जो हमारी जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो फिर उसे दोबारा से प्ले करके बच्चों को सुनाया जाए। टीचर्स एंड एक्सपर्ट इन ब्राइल रीडिंग राइटिंग, जो टीचर और एक्सपर्ट्स होंगे जो उन्हें पढ़ाएंगे उन्हें ब्राइल पे लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अ लार्ज वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स फॉर क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या होता है, जो टीचिंग एड्स जो भी यूज किए जाते हैं वो अच्छे तरीके से होने चाहिए, जिसके बारे में पहले से ही टीचर को नॉलेज हो। वर्कशॉप फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स वर्कशॉप प्रोवाइड करवाए जाए, जिसमें जो भी उन्हें मटेरियल रिक्वायरमेंट हो वो मिले। इंटीग्रेशन विद नॉर्मल चिल्ड्रन थ्रू कोकुलर एक्टिविटीज, और जैसे कुछ बच्चों के साथ एक्टिविटीज क्या कुछ करवाया जा रहा हो उसमें क्या होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों बच्चों को एक साथ करवा के ट्रीट करवाया जाए, जिसमें एक्टिविटीज करवाई जाए जिससे कि उन दोनों को जो नॉर्मल एबनॉर्मल बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल सके, टेकिंग कैलकुलेशन कर सके।
थर्ड पॉइंट है हमारा डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। इसमें कैसे हम बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। इन ऑर्डर टू डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल अमंग देम, ब्रेल इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कोकुलर मॉडिफिकेशन फॉर ब्लाइंड। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चों की डेवलपमेंट करेंगे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में, इसमें जो ब्रेल बुक है वो बहुत ही ज्यादा ही बच्चों के लिए लाभदायक होता है, जो कि ज्यादातर मॉडिफाई किया जाता है ब्लाइंड बच्चों के लिए। ब्रेल इज द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम फॉर टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग टू ब्लाइंड। इसमें क्या होता है, जो ब्रेल होता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों के लिए लर्निंग और राइटिंग और रीडिंग करने के लिए। स्पेशल ब्रेल रोटेशन सिस्टम यूज टू टीच मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एंड शॉर्ट हैंड सिम्बल्स हैव आल्सो बीन कन्वर्ट इनटू ब्रेल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल ब्रेल होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिसमें कि जो मैथमेटिशियन हो गया, उसमें शॉर्ट हैंड सिंबल्स वगैरह हो गए, वो सारी चीजें ब्रेल में अच्छे तरीके से उनके लैंग्वेज के हिसाब से बताई गई है। अ गुड ब्रेल टाइपिस्ट कैन टाइप 40-60 वर्ड्स पर मिनट। एक जो अच्छा ब्रेल टाइपिस्ट होता है 40-60 वर्ड्स को एक मिनट में टाइप कर सकते हैं। टीचिंग ऑफ ब्रेल स्किल जनरली स्टार्ट इन क्लास 6 एंड ओरल टीचिंग इज डन अडॉप्ट अप टू प्राइमरी लेवल। इसमें क्या होता है, जो हमारा टीचिंग होता है ब्रेल के ऊपर में हम जो सीखते हैं वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है, परंतु जो हम ओरली बच्चों को समझाते हैं सिखाते हैं वो प्राइमरी लेवल से ही सिखाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा टीचिंग ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या है, एट द प्राइमरी स्टेज ऑनली मेंटल मैथमेटिक्स इज यूज्ड, दैट मींस ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर डन ऑरली। इसमें क्या होता है, जब बच्चा प्राइमरी स्टेज में होता है तो जो बच्चे को मैथमेटिक्स करवाया जाता है वो सिर्फ ऑरली तरीके से करवाया जाता है, जिसे देखा जाता है जो बच्चा है उसका जो दिमाग अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा। फ्रॉम जूनियर लेवल ऑनवर्ड यूज ऑफ कैलकुलेटर साइड रूलर्स प्रोट्रैक्टर एक्सेट्रा आर अलाउड। इसके बाद क्या है, जब वो जूनियर लेवल पे आता है तो उसके लिए कैलकुलेटर दिया जाता है, रूलर प्रोट्रैक्टर कंपास वगैरह स्केल वगैरह का यूज करवाया जाता है। अलॉन्ग विद द ब्रेल बुक्स अवेलेबल इन डिफरेंट टॉपिक्स। इसमें क्या आता है, ये सारी चीजें जो ब्रेल बुक्स में भी अवेलेबल होती है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स में, दे आर ऑल्सो टॉट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड टू कंस्ट्रक्ट ज्योमेट्रिकल डिजाइन थ्रू क्लियर मॉडलिंग एंड शीट ऑफ पेपर। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को अलग अलग टॉपिक मिलता है फिर वो कंस्ट्रक्ट ज्योमेट्रिक वाले चैप्टर पे भी आते हैं, उसमें क्या ज्योमेट्री को वो क्लियर मॉडलिंग या शीट ऑफ पेपर के हिसाब से समझाते हैं कि ज्योमेट्री में किस तरीके के वर्क किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टीचिंग थ्रू ऑडिटोरियम मटेरियल्स। इसमें क्या, टेप रिकॉर्डर, टेप प्लेयर, सीडी प्लेयर आर जनरली यूज फॉर रिप्रोड्यूसिंग द टॉट मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चों को जो हम इसमें जो ऑरली मतलब ऑडियो के थ्रू समझाते हैं, जिसमें हम टेप रिकॉर्डर का, टेप रिकॉर्ड प्लेयर्स का, सीडी प्लेयर का यूज करते हैं। और रिकॉर्डिंग आर जनरली डन एट द स्पीड लेस देन 150 वर्ड्स पर मिनट सो दैट ब्लाइंड कैन इजिली अंडरस्टैंड देम। और इसमें क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है उसका जो हमारा जो उसमें जो वर्ड्स की स्पीड होती है वो क्या होता है 150 वर्ड्स पर मिनट होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, जिससे कि जो हमारे ब्लाइंड पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो इजिली उस चीज को समझ के कैच कर सके। सिक्स पॉइंट है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, चेयर एंड कैनिंग, इसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें चेयर कैनिंग के बारे में बताया जाता है, वेविंग कार्पेट, टाइप राइटिंग के बारे में, स्टेनोग्राफी थ्रू ब्राइल के बारे में, म्यूजिक ट्रेनिंग, टीचिंग इन एलिमेंट्री और हायर क्लासेस। सेवन पॉइंट है हमारा मोबिलिटी ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, द मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन इज जनरली रेस्ट्रिक्ट ड्यू टू देयर इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, जो मोबिलिटी होता है बच्चों की देखने के लिए क्या होता है वो उनके इम्पेयरमेंट के हिसाब से होता है। मोबिलिटी इज ऑल्सो हार्डनेड बाय मोटिवेटिंग देम थ्रू साइकोलॉजिकल टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चों को मॉडिफाई करते हैं उसके लिए हमें क्या होता है उन्हें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर साबर है आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ सके, जिससे कि वो अपने आप को दूसरों से हीन छोटा ना समझे। इट इज नेसेसरी बिकॉज दे जनरली लैक मोटिवेशन फॉर वॉकिंग। इसमें क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट करना, जिससे कि वो अपने आप को अपने कदम को आगे बढ़ाए ना कि पीछे बढ़ाए। फिजिकल ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, एज द मोबिलिटी ऑफ दिस चिल्ड्रन जनरली लेस विच हैम्पर देयर फिजिकल ग्रोथ एंड कॉज इल हेल्थ। इसमें क्या होता है, जो बच्चों को जब हम
बच्चों को जब हम ट्रीट करते हैं तो उनकी सबसे पहले फिजिकल हेल्थ भी देखनी जरूरी होती है, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी देखनी होती है, और जो उनका फिजिकल ग्रोथ होता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के थ्रू बहुत ही कम होता है। और इसमें क्या होता है, उसकी जो बीमारियां भी होती है उनके हेल्थ में, दिस प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंड कैन बी मिनिमाइज बाय मोटिवाइजिंग देम टू डू मोर एंड मोर फिजिकल एक्सरसाइज। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है ब्लाइंड पर्सन को हम मिनिमाइज कम भी कर सकते हैं उन्हें मोटिवेट करके, प्लस में उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करके भी उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसे भी दूर कर सकते हैं। दे शुड ऑल्सो बी इंकरेज टू डू योगा रनिंग एंड दिस एक्टिविटीज शुड बी मेड रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। और चीजों को खत्म करने के लिए हम बच्चों को इनकरेज, उनका उत्साह भी बनाना चाहिए योगा करवा के, रनिंग करवा के, बाकी कुछ एक्टिविटीज करवा के जो कि उनके रेगुलर पार्ट का, रेगुलर लाइफ का एक पार्ट बन सके और जिससे वो अपनी डेली रूटीन पे करें। 9th पॉइंट है हमारा कुरिकुलम एडेप्टेशन। कुरिकुलम फॉर दिस चिल्ड्रन डज नॉट डिफर फ्रॉम द साइटेड चिल्ड्रन। जो कुरिकुलम होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, चाहे वो जिनकी आई लेवल कम हो या लो हो या हाई हो। मॉडिफिकेशन इज डन ओनली इन दिस एरियाज वेयर दे फेस स्पेशल प्रॉब्लम। और इनका जो प्रॉब्लम, तो जो मॉडिफिकेशन किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है जिसमें कि वो स्पेशल नीड्स की जो जरूरत होती है उसे भी आराम से इजिली फेस कर सके। दे टेक मोर इंटरेस्ट इन लिटरेचर म्यूजिक फिलोसफी, सो दिस सब्जेक्ट आर स्ट्रेस मोर इन द टोटल कुरिकुलम। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो ज्यादातर किसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लिटरेचर में, म्यूजिक में, फिलोसफी में, जिससे कि तो जो उनका जो सब्जेक्ट के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। द स्पेशल एरियाज ऑफ कुरिकुलम आल्सो इंक्लूड डेली लिविंग स्किल्स, सेंसरी ट्रेनिंग एंड सोशल स्किल्स। इसलिए कि जो हमारा जो स्पेशल एरिया होता है कुरिकुलम का, उसमें हम इंक्लूड करते हैं बच्चों की जो डेली के लिविंग स्किल्स होते हैं, सेंसिंग ट्रेनिंग होते हैं, सोशल स्किल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11th प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, रेजिडेंशियल स्कूल्स इट इज मोर सिचुएटेड टू दिस चिल्ड्रन हु आर कम्प्लीटली ब्लाइंड। ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली ब्लाइंड हो, पूरी तरीके से अंधे हो। साइटेड वर्कशॉप, इसमें कहते हैं इट इज द सेकेंड ऑप्शन फॉर दिस चिल्ड्रन बट दे हैव लर्न डिफरेंट ट्रेड्स एंड दे गेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देयर। ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं होते और उनमें जो काम सिखाया जाता है इस तरीके से सिखाया जाता है कि वहां पर वो परमानेंट एम्प्लॉय बन सके और वहां पर वो काम सीखे वहीं रह सके। दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स टू डू सोल्ड इन द मार्केट एंड दे आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। इससे क्या होता है, जो भी वो चीज से सीखते हैं आगे जाके उन चीजों को वो मार्केट में बेचते हैं और उनसे जो प्रॉफिट होता है उसको वो अपने पास रखते हैं। सेकेंड है हमारा इसमें बी पॉइंट है, एजुकेशन फॉर पार्शियली ब्लाइंड। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, टोटली ब्लाइंड था, ये पार्शियली ब्लाइंड। ट्रेनिंग ऑफ साइट सेविंग टेक्निक, इसमें क्या होता है जो पार्शियली ब्लाइंड होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। विजुअल एक्यूटी ऑफ 6-10% ऑफ विजन इज नॉट अ मच अमाउंट ऑफ विजन डेट विल lost long in such a situation and they should take the help of class teaching to look to book reading। इसमें क्या होता है, जो विजन होता है हमारा 660 का होता है, 10% से ज्यादा इसमें हमारी जो आइस होती है वो खराब नहीं होती है और इसमें हम जो ज्यादा स्पेशल नीड्स की जरूरत भी नहीं होती, इसे हम रेगुलर क्लास में आराम से बैठ के कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं सेम बुक से। दिस चिल्ड्रन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड लेटर्स ऑफ लेस देन 12 पॉइंट इन प्रिंट एंड बुक्स आर जनरली प्रिंटेड इन 10 पॉइंट। इसमें क्या होता है, परंतु दिक्कत यहाँ बच्चों की ये आती है कि जो वो बच्चे जो बुक रीडिंग करते हैं वो उनके जो प्रिंट वर्ड्स होते हैं 12 पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो ही वो पढ़ पाते हैं, उससे जो छोटे वर्ड्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। परंतु जो हमारी बुक्स होती है जनरली देखी जाती है वो 10 पॉइंट की होती है, जिसे उन्हें रीडिंग करने में काफी डिफिकल्टीज होती है। दस इफ दे रीड दिस बुक्स बाय ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू देयर आईज इट विल पुट हैविंग स्ट्रेन ऑन देयर आईज डैमेज देयर विजन वेरी सून। इससे क्या होता है, जब बच्चे जब रीडिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी एक आंख को बंद कर लेते हैं, जिससे कि जो उनके दूसरी आंख होती है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और इतना इफेक्ट पड़ता है कि जो उनकी जो आंखों की रोशनी है वो कम भी हो सकती है और हमेशा के लिए डैमेज भी हो सकती है। ड्यू टू दिस रीजन दे शुड रिले मोर ऑन देयर ऑडिटरी ऑर्गन्स रेदर देन विजुअल ऑर्गन। इसके लिए क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं ऑडिटरी ऑर्गन जो सुनने वाले ऑर्गन है उसका ज्यादा यूज करवाते हैं एज कम्पेयर टू विजुअल देखने वाले ऑर्गन का।
सेकेंड पॉइंट है हमारा टीचिंग मटेरियल रिक्वायर. कौन कौन से टीचिंग मटेरियल रिक्वायर होते हैं? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट टेक्स्ट टू ऑडियो. इसमें तो रेडियो की जरूरत होती है, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर की रिकॉर्डिंग होती है जरूरत होती है. टैगिंग सॉफ्टवेयर भी इस तरीके के यूज किया जाता है जिसमें कि जो हमारे टेक्स्ट वाले वर्ड होते हैं वो ऑडियो में प्ले होते हैं जिससे वो समझ सके. मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हमारा जिससे अक्षर बड़े दिखाई देते हैं वो वाले ग्लासेस यूज किए जाते हैं. बुक्स प्रिंट इन लार्ज साइज ऑफ द लेटर मोर देन 12 पॉइंट्स इन साइज. जो बुक जो प्रिंट भी करवाते हैं वो 12 पॉइंट से ज्यादा की करवाते हैं जिससे कि जो पार्शियल ब्लाइंड पर्सन है वो अच्छे से देख सके. वोकेशनल ट्रेनिंग, इट इज असेंशियल फॉर देम एज फॉर द ब्लाइंड टू एनेबल देम टू अर्न देयर लिविंग. दे कैन बी ट्रेन इन दोज एरियाज विच रिक्वायर लेस विजुअल फंक्शनिंग फॉर विजुअल पावर ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस. इसमें क्या होता है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है बच्चों के लिए जिससे कि वो कुछ अर्निंग भी कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से प्रॉपर वे में चला सके. परंतु क्या होता है, जो पार्शल ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड बच्चों की तरह ज्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें देख पाते हैं. देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी समटाइम लोअर देन नॉर्मल चिल्ड्रन. परंतु उनकी जो परफॉर्मेंस होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों की बहुत ही कम होती है. फोर्थ पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन द क्लास एंड इन द स्कूल. द टीचर मस्ट राइट इन बोल्ड लेटर्स ऑन द चॉकबोर्ड विद शुड बी लेजिबल एंड इजी टू रीड. इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है बहुत ही ज्यादा बोल्ड लेटर्स में लिखती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, चॉकबोर्ड के ऊपर, जिससे कि जो बच्चा होता है उसे आराम से पढ़ सकता है और रीड कर सकते हैं. द टीचर में स्पीक वाइल ही शी राइट्स ऑन द चॉकबोर्ड. जो टीचर होती है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद वो बोलती भी है जिससे बच्चे को दिखना रहा हो तो वो बोल के भी समझ सके कि वहाँ क्या लिखा है. ऑडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी शुड ऑल्सो बी देयर इन द क्लास टू रिकॉर्ड द लेक्चर. जो ऑडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी क्लासरूम में होती है जिससे कि जो टीचर होती है एक बार जो समझा रही होती है उसे रिकॉर्डिंग कर लेती है जिससे कि जब टाइम आने पर बच्चे को समझ नहीं आता तो उसे प्ले करके बच्चों को सुना सके, समझा सके. बुक्स ऑफ लार्ज प्रिंट शुड बी स्पेशली प्रिपेयर फॉर देम सो डेट दे कैन इजिली रीड देम. इसमें क्या होता है, जो बुक का साइज होता है वो 12 पॉइंट से ज्यादा होता है जिससे कि बच्चे इजिली उसे रीड भी कर सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं. रेगुलर आई चेकअप ऑफ दिस स्टूडेंट इज ऑल्सो नेसेसरी टू इंश्योर वेदर क्लासेस एंड अदर विजुअल एड्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली. इसमें क्या होता है, जो बच्चों का जो रेगुलर आई चेकअप भी होता है जिससे कि जो बच्चे होते हैं उसे इजिली देख सके, समझ सके उन्हें की ग्लासेस स्पेक्स की जरूरत है या नहीं है, उनकी आंखें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं. फिफ्थ पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग. क्या क्या मेथड्स होते हैं? द टीचर यूज ऑडिटरी क्यूज वाइल रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन. इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं ऑडिटरी क्यूज का यूज करते हैं जिससे कि जो क्लास में रिप्रेजेंट कर रही होती है वो बच्चों को अच्छे से समझा सके. द टीचर शुड यूज कम्प्लीट सेंटेंस टू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्ट. इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है जो भी पढ़ाते हैं उसको कम्प्लीट सेंटेंस पूरी तरह अच्छे तरीके से समझाते हैं प्लस में एडिशनल कॉन्टेक्ट लेके. द टीचर शुड स्पेल डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो इन द क्लास. जो टीचर होते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको स्पेल भी करवाते हैं जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन है बच्चे हैं वो अच्छे से लिख सके. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू देम. और जो टीचर होती है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देती है, बात घुमा फिरा कर नहीं करती, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. द टीचर शुड स्केच द डायग्राम्स एंड फिगर्स इन बोल्ड लाइन्स टू एनेबल द स्टूडेंट टू सी प्रॉपरली. जो टीचर्स होती है वो डायग्राम या स्केचेस को इतना बोल्ड बनाती है जिससे कि वो डायग्राम्स और फिगर्स को अच्छे से समझ सके और उन्हें अच्छे से दिखाई दे. द टीचर शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू कीप द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू देम. जो टीचर होती है वो ट्रेन करती है बच्चों को अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के थ्रू जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं. सिक्स पॉइंट है हमारा यूज ऑफ ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जिसको हम OCR कहते हैं. विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन यूज अ कंप्यूटर बेस्ड स्कैनिंग डिवाइस. इसमें क्या होता है, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड स्कैनिंग डिवाइस से उनको स्कैन किया जाता है. दिस डिवाइस कन्वर्ट प्रिंट वर्ड्स इनटू अ सिंथेटिक स्पीच. इसका ये फायदा होता है कि जो बच्चों के जो वर्ड्स होते हैं प्रिंटेड वर्ड्स वो क्या होता है सिंथेटिक स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं. एडवांस टेक्निक हैव नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिवाइस. इसलिए जो एडवांस टेक्निक है वो यूज किया गया इस
इस तरह के बच्चों के लिए। दिस ओसीआर इज सुटेबल फॉर ब्लाइंड पर्सन। ये जो ब्लाइंड आल्सो, ये क्या होता है, जो ओसीआर होता है वो ब्लाइंड बच्चों के लिए भी काफी असरदार रहा है। कोरिकुलम मॉडिफिकेशन 7 पॉइंट है। पार्शियल साइटेड चिल्ड्रन नीड टू मॉडिफाई इन द कोरिकुलम। जो पार्शली साइटेड बच्चे होते हैं उन्हें वो क्या होता है, नीड के हिसाब से इसे मॉडिफाई किया जाता है। ओनली चेंज इन इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इज इनफ। ओनली जो चेंजेस किया जाता है उन इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर के लिए कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा काफी होता है। दे कैन बी टॉट ईच एंड एवरेज सब्जेक्ट इन द क्लास अप टू हाई स्कूल एक्सपर्ट हायर लेवल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। ये क्या होता है, ये जो जो इसे पढ़ाया जाता है, जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाया जाता है, जिसमें स्कूल के एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को अच्छी तरीके से पढ़ा के बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को, पार्शियल ब्लाइंड बच्चों को अच्छे से समझा सके। दे कैन नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट दिस बिकॉज दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट प्रैक्टिकल एंड वर्क, एंड पार्शली ब्लाइंड कैन नॉट कैरी आउट प्रैक्टिकल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चा होता है, जो ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड होता है, उनके लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में जो लैब का काम होता है वो करना आसान नहीं होता। जिससे क्या होता है, जो बच्चे जब उस चीज को कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकल में, तो उन्हें वो चीज कैसे समझ आएगी। इसलिए जो उनका कोरिकुलम होता है इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, जिसमें उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाई करवा सके। प्लेसमेंट 8th पॉइंट। इट डेवलप्स अमंग देम अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंस एंड सेल्फ डिफेंस। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंस, सॉरी, इसमें जो बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से बड़ा किया जाता है, समझाया जाता है, जिससे कि वो अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, खुद पर डिपेंड हो और किसी के ऊपर बोझ ना बने। दे विल बी एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी मोर अडेक्टली आफ्टर स्कूलिंग। इसके बाद क्या होता है, जब वो स्कूल से पढ़ के जाता है तो अपने आप को सोसाइटी के अंदर भी ढाल लेता है बिना किसी प्रॉब्लम के। हायर सोशल मेजोरिटी स्कोर्स हैव बीन फाउंड इन सच सेटिंग देन रेजिडेंशियल स्कूल सोशल इज मोस्ट पॉसिबल हियर। इसमें क्या होता है, जो हायर सोशल समाज के साथ वो अच्छे से अपने मेजोरिटी स्कोर गेन करता है, जिसको कि वो किस तरीके से कैसे करता है, जब वो स्कूल्स में अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करता है, जिससे कि वो अपने आप को समाज के हिसाब से उठा बैठ के उठ बैठ समझ सकते हैं, अपने आप को दूसरों के हिसाब से कम नहीं समझता, अपने आप को भी काबिल समझता है। रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। इसमें क्या है, जो बच्चे हम देखेंगे क्या क्या टीचर का रोल रहा विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। द विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन शुड बी ट्रीट इन अ सिमिलर वे एज अ नॉर्मल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसे भी सेम ट्रीटमेंट के द्वारा, मतलब सेम ट्रीट किया जाता है जैसे कि नॉर्मल बच्चे को करते हैं। द टीचर शुड इनकरेज हेल्थी इंट्रेक्शन बिटवीन द विजुअल इम्पेयर्ड एंड नॉर्मल चिल्ड्रन। जो टीचर होते हैं वो बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, कि जिससे कि उन्हें बताते हैं कि हेल्थी रहना, हेल्थ पे ध्यान देना कितना जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल बच्चे हो। द टीचर शुड मोटिवेट द विजुअल इम्पेयर चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ फॉर हिज ऑन हिज मटेरियल। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो जो ब्लाइंड और अनब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि किस तरीके से वो अपने अपनी चीज़ों को, अपने मटेरियल्स को संभाल कर रखना चाहिए। दिस विल हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन द विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि जिससे ऐसा करने से जो हम बच्चे होते हैं उसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, उनकी सेंसेस होती है उसको में भी डेवलपमेंट करते हैं, जिससे कि वो जो बच्चा होता है इंडिपेंडेंस होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। दे शुड बी इनकरेज टू टेक पार्ट इन कोरिकुलम एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, डिक्लेमेशन, डिबेट्स, क्विज। दे कैन आल्सो बी मोटिवेट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चे होते हैं हम इनकरेज भी करते हैं, उनका उत्साह भी बढ़ाते हैं, जिससे कि जो उनकी कोकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग हो गए, क्विज वगैरह हो गए, जिससे कि उन्हें हम उत्साह बढ़ा सके, यहाँ तक हम उनका इतना उत्साह बढ़ाते हैं जिससे कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकें। द टीचर शुड इनकरेज देम टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। जो टीचर होती है उन्हें ब्लाइंड बच्चों को भी वो इनकरेज करते हैं, जिससे कि वो जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसे भी शेयर कर सके, डिस्कस कर सके। टू डेवलप विजुअल एफिशिएंसी ऑफ लो एंड पार्शियल साइटेड चिल्ड्रन द टीचर शुड टीच देम टू ड्रॉ फॉर्म इन डॉटेड लाइन, ड्रॉ फॉर्म्स विद फ्री हैंड। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो विजुअल पे बच्चों को पार्शियली ब्लाइंड बच्चों के लिए क्या करती है, उन्हें इस तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे कि उन्हें डॉटेड लाइंस दे दी, उन्हें लाइन को जोड़ना, या फिर कुछ फ्री हैंड डायग्राम दे दी, जिससे उन बच्चों को भी बनाने को सिखाना।
और टीचर शुड ऑल्सो इनकरेज विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रेन टू रेज देयर एकेडमिक एस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो बच्चों को, जो ब्लाइंड और पार्शल ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है इनकरेज करते हैं, जिससे कि वो अपने एकेडमिक से, अपने जो पढ़ाई होते हैं उसे एस्पिरेशन लेके आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई बीच में खत्म ना करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।